वेलकम बैक टू माय वर्चुअल वर्ल्ड। आई एम एसजीएल एंड आप देख रहे हैं जेड एफ एक्स एक्सप्रेस 3D का दीवाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बाबा आदम जमाने में यूवी अनरैपिंग किया जाता था और हम जानेंगे इस वीडियो में ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कैसे हम बाबा आदम जमाने वाला यूवी अनरैपिंग कर सकते हैं। तो सर इसके लिए मैं यहाँ पे यूवी एडिटर को करूंगा ओपन एंड इस क्यूब को करूंगा सिलेक्ट एंड इसके शेल्स को कर दूंगा डिलीट जस्ट लाइक दैट। एंड इस क्यूब को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे जाऊंगा फेस मोड पर एंड फेस मोड पर जाने के बाद इन फेसेस को कर लूंगा मैं सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पे क्रिएट एंड प्लेनर। सो जैसा तो आप यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग डायरेक्शन में है, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में कहा था इसको रोटेट करना है। सो आप कुछ इसी तरह से रोटेट कर लेना है आपको। सो मैंने इसको कर लिया है रोटेट और मैं इसको कर लूंगा थोड़ा सा बड़ा जस्ट लाइक दैट। मैं यहाँ पे पीटी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड इसको कर लूंगा थोड़ा सा ऊपर एंड यहाँ पे प्रेस क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका यूवी शेल क्रिएट हो चुका है। सो हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। सो सिलेक्ट सिलेक्ट एंड यहाँ पे करेंगे क्यूरेट एंड प्लेनर जस्ट लाइक दैट। एंड ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, जस्ट इसको थोड़ा सा हमें करना है बड़ा जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पे प्रेस करना है क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन। एंड अब हम इस साइड के फेसेस को कर लेंगे अनरैप। सो सिलेक्ट दोनों के फेसेस एंड क्यूरेट एंड यहाँ पे प्लेनर। सो हम इसको करेंगे रोटेट। सो रोटेट करने के बाद हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सही डायरेक्शन में ये अप्लाई हो चुका है। सो यहाँ पे प्रेस क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये इस क्यूब के सारे सेल्स। सो हम यहाँ पे जाएंगे यूवी शेल मोड पे एंड इसको करेंगे सिलेक्ट एंड यहाँ पे प्रेस डब्ल्यू एंड साइड। अगर ऐसे मैनुअली करने जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं इसको कर दूंगा अनडू एंड हम इन सब यूवी शेल को करेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक मॉडिफायर एंड मॉडिफायर पे जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे अनस्टैक यूवी शेल। सो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एंड इसके बाद हम इन यूवी शेल को करेंगे सिलेक्ट। सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड एंड अनफोल्ड ऑप्शन एंड ये बाबा आदम जमाने का यूवी अनरैपिंग है। सो इसको हम करेंगे लेगेसी में एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बंच ऑफ ऑप्शन देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाऊंगा। सो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा क्लोज एंड अप्लाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यूवी शेल्स है वो अनरैप हो चुका है। सो हम यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक एंड लेआउट विद यूवीज। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट लेआउट हो चुका है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली राइट क्लिक मॉडिफायर एंड हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रेच सिमिलर सेल्स। सो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा सारे सेल्स एक सेल्स के ऊपर चढ़ गए और आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो ये यूवी अनरैपिंग हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे इस फेयर को करेंगे। सो इस फेयर को कर लेंगे सिलेक्ट एंड इसके यूवी सेल्स को कर देंगे हम डिलीट एंड उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर एंड यहाँ पे क्रिएट एंड हम यहाँ पे करेंगे इस फेयर। इस फेरिकल को क्रिएट करने के बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा जस्ट लाइक दैट एंड इसको बड़ा करने के बाद हम इस हैंडल को कर देंगे इसके साथ अटैच जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन एंड उसके बाद हम इन फेसेस को करेंगे सिलेक्ट। सो होल्ड टैब एंड जस्ट ड्रैग लाइक दिस एंड सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट एंड पैनल। हम इसको कर देंगे थोड़ा सा रोटेट। सो मैं यहाँ पे चैनल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जीरो कर दूंगा एंड एक्स एक्सिस में रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री एंड मैं इसको कर लूंगा थोड़ा सा बड़ा जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस कर लूंगा क्यू और ठीक इसी तरह एक दूसरे साइड में कर लेना है। सो होल्ड टैब एंड जस्ट सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे क्यूरेट एंड पैनल एंड इसको कर लेना है रोटेट एंड रोटेट करने के बाद हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा जस्ट लाइक दैट एंड इसको थोड़ा सा ले आएंगे नीचे की तरफ। सो यहाँ पे टी प्रेस करेंगे एंड इसके मूव आइकॉन को करेंगे सिलेक्ट एंड इसको नीचे की तरफ ले आएंगे जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन एंड इसको करेंगे सिलेक्ट एंड शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड एंड अनफोल्ड। सो ये अनफोल्ड आपको होता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह से, जो कि ठीक नहीं है। सो हम इस यूवी शेल्स को कर लेंगे सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड शिफ्ट राइट क्लिक एंड लेआउट विद यूवीज। सो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एंड उसके बाद इस यूवी शेल को करना है सिलेक्ट एंड शिफ्ट राइट क्लिक एंड एज मोड एंड उसके बाद इन एजेस को कर लेना है सिलेक्ट एंड उसके बाद राइट क्लिक मॉडिफायर एंड यहाँ पे मॉडिफायर में जाना है एंड यहाँ पे आपको करना है ट्रेड यूवी शेल। सो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि
इसका यूवी अनरैपिंग हो चुका है और ये बिगिनर लेवल है, सो मैं इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं हूँ। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिलेंडर पे एंड इसके यूवी शेल्स को करूँगा डिलीट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट मोड पर जाएंगे एंड इस ऑब्जेक्ट को करेंगे सिलेक्ट क्यूरेट एंड यहाँ पे करेंगे सिलेंड्रिकल एंड इसको बीच में करेंगे सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा एंड इस आइकन को करूंगा सिलेक्ट एंड इसके साथ अटैच कर दूंगा जस्ट लाइक दैट एंड इसको करूंगा थोड़ा सा मैं छोटा जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा क्यू टू कन्फर्म ऑपरेशन। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एडिट मोड पर जाएंगे फेस मोड पर एंड इन फेसेस को कर लेंगे हम सिलेक्ट सो होल टैब एंड जस्ट ड्रैग एंड नीचे के फेसेस को भी कर लेंगे हम सिलेक्ट सो होल टैब एंड जस्ट ड्रैग। सो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्यूरेट एंड प्लेनर एंड इसको करेंगे हम रोटेट। सो चैनल बॉक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, सो यहाँ पे जीरो कर दूंगा एंड एक्स में कर दूंगा 90 डिग्रीज एंड इसको करूंगा ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे मैं टी पे प्रेस करूंगा एंड ऊपर की तरफ कर दूंगा जस्ट लाइक दैट और मैं यहाँ पे प्रेस क्यू करूंगा कन्फर्म ऑपरेशन एंड इनको करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक एंड अनफोल्ड ऑप्शन। सो ये अनफोल्ड हो जाएंगे एंड यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट एंड शिफ्ट राइट क्लिक लेआउट लेआउट विद यूवीज। सो ये आपको प्रॉपर यूवी अनरैपिंग होता हुआ नजर आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इस यूवी एडिटर को करता हूँ बंद। सो मान लीजिए यहाँ पे आपके इस ऑब्जेक्ट की तरह सेम वैल्यू में बहुत सारे अदर्स ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि मैं एक ही सिलेंडर को अनरैप करने के बाद उन सब पे यही यूवी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। सो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स। सो मैं इसको सबसे पहले दो चार कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेंडर को दो चार कॉपी एंड इन सिलेंडर्स को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पे यूवी एडिटर को करूंगा ओपन एंड इस चैनल बॉक्स को कर दूंगा बंद एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनके कोई यूवी शेल्स नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को करूंगा सिलेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट को करूंगा सिलेक्ट वन बाय वन और ये सिलेक्शन बहुत मैटर करता है यहाँ पे और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ ये वन ऑब्जेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करता है डाटा। सो यहाँ पे हम जाएंगे मैश एंड यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स। सो अगर इस पर मैं ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे यूवी एडिटर को कर दूंगा बंद, यहाँ पे वर्टेक्स पोजीशंस को नो मैटर यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमें एंड यूवी शेल्स हमें जरूरत है ऑल पे करना है एंड यहाँ पे सैम्पल ऑफ स्पेस ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट वोल्ट एक्सेस में है तो आप यहाँ पे वोल्ट एक्सेस के साथ जा सकते हैं, अगर लोकल एक्स में है तो लोकल के साथ जा सकते हैं, अगर आप यूवी बेस करना चाहते हैं तो यूवी बेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे करेंगे कंपोनेंट बेस। सो हम यहाँ पे कंपोनेंट पर जाएंगे एंड यहाँ पे कर देंगे ट्रांसफॉर्म। इस ऑब्जेक्ट को करता हूँ सिलेक्ट एंड यूवी एडिटर को करता हूँ ओपन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यूवी शेल आपको दिखाई नहीं देगा। सो यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है सिक्स। सो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका यूवी शेल्स। सो आपको इसी तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट को अनरैप करने के बाद आप उसके यूवीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट में। सो इस वीडियो में हमने जाना किस तरह बाबा आदम जमाने में यूवी अनरैपिंग किया जाता था और हमने जाना ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स किस तरह करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए ZFX Express 3D का दीवाना।